स्वागत है आप लोग का हमारे आज के नए वीडियो में। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पहाड़ी गुलजार। आज है सावन का तीसरा सोमवार, इसलिए हम जा रहे हैं सरल महादेव में, जहाँ की लघु केदार के नाम से प्रसिद्ध शिव मंदिर है। तो मेरे साथ में जा रहे हैं आदित्य, अंकित और सुमित, और ये लोग यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? और इस साइड इन्होंने पता नहीं क्या देख रखा है, उस पेड़ पे शायद निशाना मार रहे हैं, किसका लगता है किसका नहीं लगता। ऐसे कुछ कर रहे हो क्या? और हमारे साथ जॉन्टी भी आ रखा है, और यहाँ पे अंकित सिंह कुछ लेके आए हैं। यू थैलून क्या चे? इसमें मुंगरी, चचिंडा। ये चचिंडे लेके कहाँ जा रहे हो? ये सल्डे आम भी है इसमें, देखो। तो ये किसी के लिए पार्सल लेने या देने जा रहे हो? लेने जा रहे हो, देने जा रहे हो? देने जा रहे हो। अच्छा, ये लेने के लिए भी आ रहा है और देने के लिए भी। और ये पार्सल देने के लिए भी जा रहे हैं और महादेव के दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, वहाँ शिव का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे कि लघु केदार के नाम से भी जाना जाता है। और सरल महादेव वहाँ पे हैं और मंदिर उस साइड में है। मंदिर में हम आपको लेके जाएंगे, और आज सावन का तीसरा सोमवार है और यहाँ ऊपर से पत्थर गिरने का डर भी रहता है, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। तो हम आपको मिलते हैं सीधा सरल महादेव में। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा, चले सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला, तेरे नाम की ज्योत ने सारा लिया तमस मेरा, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे महेश्वरा। अभी हम मंदिर से घर के लिए निकल चुके हैं, और जैसे ही मंदिर से घर के लिए निकले, बारिश स्टार्ट हो गई थी, और जाते टाइम हम चार लोग थे, अभी हम पांच लोग हो गए हैं। अजीत सिंह भी अपने ननियाल से हमारे साथ आ गया है, और अंकित सिंह के हाथ पे देखिए सलाइस की बोतल है, जब कितना ठंडा मौसम हो रखा है देख सकते हैं आप, इतने ठंडे मौसम में भी सलाइस पिएगा। सलाइस पीड़ क्या थी? अरे, और वहाँ देखिए सुमित पूरी तरह से भीग गया है, इतनी बारिश हो रही है। और अभी हम लोग को ऊपर वाली पहाड़ी पे जाना है। ये जो रास्ता ऊपर के लिए जाता है, यही हमारे गांव के लिए जाता है, और जो नीचे वाला रास्ता है, ये जड़ाव और किनात के लिए जाता है,
और यहाँ पे एक यात्री सेट है। जब भी हम लोग सल्ड महादेव से मंदिर से आते हैं तो यहाँ पे विश्राम जरूर करते हैं। और आज तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, क्योंकि हम सभी लोग के पास छाते हैं लेकिन सुमित के पास छाता नहीं है और वो पूरी तरह से भीग गया है। और ये देखिए यहाँ पे आराम कर रहे हैं सभी लोग। वहाँ पे आदि बैठा है, वहाँ पे सुमित बैठा है, यहाँ पे अजीत बैठा है, यहाँ पे अंकित बैठा हुआ है। तो अभी यहाँ पे छाते जो हैं, तीन ही छाते हमारे पास और हम पांच लोग हैं। तो अभी यहाँ पे पार्टी होगी और पार्टी करने के लिए यहाँ पे ला रखे हैं ठंडे, क्योंकि सुबह से कुछ भी खाना नहीं खाया है। तो यहाँ पे देखिए तो वहाँ से आदित्य कुछ बता रहा है। चार, पाँच, छः, सात हैं और यहाँ पे बिस्कुट का पैकेट रखा है। कितने अंकित कैसे? पहले हम लोग रुके हुए थे यात्री सेट में, वहाँ पे क्या हुआ, जड़ाव और किनात के लोग भी आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और अभी हम लोग आ गए हैं अपने गांव के हेड़ाधार में। और अभी देखिए चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, पहले बारिश ही बारिश हो रही थी लेकिन अब कोहरा कोहरा लगा हुआ है और बारिश रुकी हुई है। तो इसलिए हम लोग हेड़ाधार में यहाँ पर छोटी सी पार्टी कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 2-4-5 गिलास यहाँ पर स्लाइस के हैं और थोड़ा सा स्लाइस बचा हुआ है। और यहाँ पर OAS जो कि आदि के फेवरेट हैं, है ना आदि? ना बेकार है। और वहाँ पे क्रीम रोल, ये किसके फेवरेट हैं? अंकित के है। अंकित के। और अंकित को देखिए कितना पसीना आ गया है यहाँ तक आते आते। तो चलो पियो खाओ। और ये मेरे लिए, और अजीत सिंह अपने ननियाल से आ रखा है और इसी को लेने के लिए यहाँ पे इतने लोग गए थे और इसी के चक्कर में वहाँ लेट हो गई क्योंकि इसकी बस काफ़ी लेट आई। चलो रे दुबरा दुबरा। और आदि ने देखिए सबसे पहले पी दिया है, काफ़ी फास्ट है, 30 लग रहा बेटे। और आदि को सिर दर्द भी हो गया था पता नहीं क्यों। और आदि ने पी दिए 3 गिलास। तीन गिलास पी रही थी, 3 ना। और अभी बचे हैं 4 कुरकुरे, 2 कुरकुरे भी खा चुका है, निखारी रे दुही भाई। त्यार कुरकुरे का गई खा चुके, नहीं आ रही हो बस। थोड़ी देर हम हेड़ाधार में भी बैठे और वहाँ पे छोटी सी पार्टी की। और अभी देखिए उस साइड पूरा कोहरा लगा हुआ है और अभी अब गांव में पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे अजीत सिंह में बैग भारी हो गया है, एक हाथ में थैला एक हाथ में बैग और बाकी देखिए सब खाली जा रहे हैं। और सबसे छोटा है अजीत, और अजीत सिंह यूँ दे दे थैला, अरे पूरे यूँ दे दे थैला। और आदि सबसे बड़ा है, आदि का बड़ा भाई है आदि अजीत का, लेकिन देखिए खाली हाथ जा रहे हैं। और अभी हम गांव में पहुंचने वाले हैं, यहां से हमारा गांव स्टार्ट हो जाता है। ऊपर यहां पे पहला गौशाला है। सुबह में मंदिर में हम लोग सबसे पहले पहुंच गए थे, उस टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन हमने थोड़ी देर अजीत का इंतज़ार किया क्योंकि वो अपने ननिहाल से आ रहा था। तो उसके बाद वहाँ काफ़ी भीड़ हो गई थी और अजीत सिंह मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँच ही नहीं पाया, 2 घंटे लग गए थे इसे। और हम तो केवल 5 मिनट में दर्शन करके आ गए थे, सुबह हम घर से 8 बजे निकल गए थे और आते आते हमें भी 4 बज गए हैं। टाइम का तो हो गए बज गए ना, 4 बज गए हैं। और यहाँ पर देखिए एक आम का पेड़ है, इस पर भी आम ख़त्म हो गए हैं और कोई कोई पेड़ बचे हैं जिन पर अभी आम बचे हुए हैं। और आजकल देखिए चारों तरफ कितनी हरियाली हो रखी है, और ऐसे में सबसे ज़्यादा डर रहता है सांपों का। और अजीत सिंह कुछ दिखा रहे हैं हमें, क्या चे? हाँ, तो ये वाला अखरोट का पेड़ है लेकिन इस पर अखरोट नहीं है, जब पिछली बार इस पर अखरोट रहते थे तो हम लोग यहाँ नीचे ढूंढने के लिए जाते थे।
और अभी हम पहुंचने वाले हैं गांव में। और अभी हम पहुंच चुके हैं गांव में और इन्हें देखिए, इतनी बड़ी नदी से आ रहे हैं और यहाँ पे प्यास लग गई। और वहाँ से अंशु हमें छुप छुप के देख रहा है, तो अंशु से मिलते हैं। और ये वाला हमारा खेत है, मक्के का खेत जिसमें हमने मक्के बोए हुए थे। और यहाँ से अंशु शर्मा शर्मा के देख रहा है। अंशु को आप सभी लोग जानते होंगे, आम खाने में माहिर। तो अंशु आम खत्म हो गए? हाँ। सब? और मंदिर से आने के बाद अभी मैं पहुंच चुका हूं घर में। और नीचे की साइड तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था, लेकिन यहां देखिए, यहां थोड़ा कम कोहरा है और शायद यहां बारिश भी नहीं हुई, लेकिन नीचे तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। हम पूरी तरह से भीग गए हैं, क्योंकि हम लोग 5 आदमी थे और 3 ही छाते थे, तो 2 आदमी एडजस्ट हुए थे एक दूसरे के छाते के नीचे। और मेरे साथ जॉन्टी भी गया हुआ था, लेकिन वो आज सल्डे में ही रुक गया है।